कविता बोलबोले की शिष्या मैं भारती वर्मा कथक के अपने अनुभव एवं शिक्षा को आपसे साझा करना चाहूंगी। कथक के मुख्य दो आयाम होते हैं, प्रथम होता है तत्कार एवं दूसरा होता है हस्तक। तत्कार पद संचालन को तत्कार कहते हैं और हस्त संचालन को हस्तक कहते हैं। आज हम तत्कार के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है तत्कार को हमेशा पहले दाहिने पैर से शुरू करते हैं, जो इस प्रकार होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस प्रकार हमने ये विलंबित लय में तत्कार करी। अगर इसी को हम दुगुण की लय में तत्कार करेंगे तो वो इस प्रकार होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये एक मूलभूत जानकारी थी तत्कार के विषय में। अब इसी प्रकार मूलभूत जानकारी हस्तक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हस्तक की शुरुआत करते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। द्वितीय हस्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तीसरा हस्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये थे हस्तक के मूलभूत अध्याय, इस प्रकार हम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पद संचालन और हस्त संचालन दोनों एक साथ किस तरह से किए जाते हैं, जो इस प्रकार होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आज मूलभूत हमने अध्यायों के बारे में साझा की, जो मेरा अनुभव था। उम्मीद आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के अध्यायों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।